हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी ऑफ योर सिलेबस एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11th. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ पिक वेयर आई हैव डिस्कस्ड द सिलेबस फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन. एंड बिकॉज यू पीपल हैव नॉट फेस्ड एनी एग्जामिनेशन एंड आर अलाउड टू डायरेक्टली एनरोल इन टू क्लास 11th, तो नाउ इट बिकम्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर पार्ट टू फोकस ऑन योर स्टडीज सो वेल दैट इन फ्यूचर इफ़ यू आर आस्क टू फेस एन एग्जामिनेशन तो उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. ये सबसे पहली स्टोरी है. आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्टोरी बिकॉज स्टोरी इज़ द ईजिएस्ट सेक्शन ऑफ योर लिटरेचर सिलेबस. नाउ दिस स्टोरी एज द नेम सजेस्ट सेल्वेटोर. सो द मेजर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज सेल्वेटोर. सेल्वेटोर इज अ लेटिन नेम, एक नाम है और एक पॉपुलर इटालियन नेम है विच मीन्स सेवियर, सेव करने वाला, हु इज काइंड, जेनरस एंड फिल्ड विद गुडनेस. इस स्टोरी की दो मेजर थीम है. पहली थीम है गुडनेस जो पूरी स्टोरी में आपको दिखेगी और दूसरी इंपॉर्टेंट थीम है ट्रू लव. ठीक है, जो कैरेक्टर है स्टोरी का उसका नाम सेल्वेटोर है और उसका मीनिंग सेवियर है. कमिंग ऑन टू द कंटेंट ऑफ द स्टोरी इज नैरेटेड बाय द ऑथर हिमसेल्फ सोमरसेट मॉगम. द ऑथर वांट्स द अटेंशन ऑफ द रीडर्स टू स्टडी द स्टोरी ऑफ सेल्वेटोर. क्योंकि स्टोरी में कोई प्लॉट नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, किसी भी तरह का कोई थ्रिल नहीं है, सस्पेंस नहीं है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऑथर के ऊपर कि वो कैसे रीडर्स का अटेंशन रखे, कंटिन्यू रखे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ सेल्वेटोर. आई वंडर इफ आई कैन डू इट. पूरी स्टोरी में जहाँ जहाँ आई आया है दैट इज़ फॉर द ऑथर. सो द ऑथर इज सेइंग आई वंडर इफ आई कैन डू इट. आई न्यू सेल्वेटोर फर्स्ट व्हेन ही वाज अ बॉय ऑफ 15 विद अ प्लेजेंट फेस, अ लाफिंग माउथ एंड अ केयरफ्री आईज. तो कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं सेल्वेटोर की. नैरेटर बोल रहा है कि मैं उसे तब से जानता हूँ जब से वो 15 ईयर्स का था. उसका फेस एक प्लेजेंट फेस था. ही वॉज ऑलवेज हैविंग अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अपियर्ड टू बी टेंशन फ्री. ही यूज टू स्पेंड द मॉर्निंग लाइंग अबाउट द बीच विद नेक्स्ट टू नथिंग ऑन एंड हिज ब्राउन बॉडी वॉज एज थिन एज रेल. एट द एज ऑफ 15 ईयर्स की एज में सेल्वेटोर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, एज थिन एज अ रेल. तो ये सिमिली हो गया, कंपैरिजन हो रहा है सेल्वेटोर के फिजिकल स्ट्रक्चर का विद रेल. ही वॉज फुल ऑफ ग्रेस. ग्रेस का मतलब क्या होता है? वेन यू सी अ फेस विच अट्रैक्ट्स यू, दैट इज अ ग्रेसफुल फेस. ही वॉज इन एंड आउट ऑफ सी ऑल द टाइम, स्विमिंग विद द क्लमजी एफर्टलेस स्ट्रोक कॉमन टू द फिशर बॉयज. क्योंकि जो स्टोरी की सेटिंग है वो एक बीच पे है, एक ऐसा विलेज जो कि सी साइड पे सिचुएटेड है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्वेटोर वॉज फाउंड स्विमिंग इनसाइड द सी विद क्लमजी. क्लमजी का मतलब ऑकवर्ड, एफर्टलेस का मतलब जब आप किसी को स्विम करते हुए देखें और आपको ये ना लगे कि वो बिल्कुल भी एफर्ट लगा रहा है या फिर उसके स्ट्रोक्स में किसी भी तरह का ताकत लग रही हो. तो फिशर बॉयज़ की इसी तरह की स्विमिंग होती है जैसे कि सेल्वेटोर की थी. स्क्रैम्बलिंग अप ऑन द जैग्ड रॉक्स ऑन हिज हार्ड फीट फॉर एक्सेप्ट ऑन संडेज ही नेवर वोर शूज़. संडे के अलावा सेल्वेटोर कभी भी शूज़ नहीं पहनता था, वो बेयर फुट रहता था. जैग्ड जो है वो अनइवन रॉक्स जो होते हैं उनको बोला जाता है, जो सी साइड पे अक्सर देखा जाता है. तो वो वहाँ पे ही यूज़ टू मूव, यूज़ टू क्लाइंब. ही वुड थ्रो हिमसेल्फ इन टू द डीप वाटर विद अ क्राई ऑफ डिलाइट. बहुत ही हैप्पीनेस के साथ वो अपने आप को समुद्र में डालता था और स्विम करता था. हिज फादर वॉज अ फिशरमैन हु ओन्ड हिज ओन लिटिल वाइन यार्ड एंड सेल्वेटोर एक्टेड एज अ नर्स मेड टू हिज टू यंगर ब्रदर्स. सेल्वेटोर के फादर एक फिशरमैन थे और वो एक केयरिंग लड़का था जो अपने दो यंगर ब्रदर्स की बहुत केयर करता था. ही शाउटेड टू देम टू कम इन शोर वेन दे वेंचर्ड आउट टू फार एंड मेड देम ड्रेस वेन इट वॉज टाइम टू क्लाइंब द हॉट वाइन क्लैड हिल फॉर द फ्रूजल मिड डे मील. फ्रूजल का मतलब होता है चीप, जैसे जो पुअर पीपल होते हैं वो जो खाना खाते हैं. तो वो अपने दोनों ब्रदर्स को बुलाता था चिल्ला के जब वो थोड़ा दूर जाने लगते थे समुद्र में, फिर उनको बुलाता था और उनको नीटली ड्रेस करता था और वाइन क्लैड में जा कर के हिल पे उनको जो खाना उसकी मदर देती थी वो हेल्प करता था खिलाने में.
बट बॉयज इन दो सदर्न पार्ट्स ग्रो अपेस, अपेस का मतलब होता है फास्ट स्पीड, एंड इन अ लिटिल वाइल ही वॉज मैडली इन लव विद अ प्रिटी गर्ल हु लिव्ड ऑन ग्रैंड मरीन. लेकिन ये जो इस तरह के जो विलेजेस होते हैं जो जिसे कहते हैं कि सी साइड के पास रहते हैं, तो वहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है. तो वेरी सून सेल्वेटोर ऑल्सो ग्रीव इन टू अ यंग मैन एंड ही फेल इन टू अ लव विद अ प्रिटी गर्ल. तो ये जो प्रिटी गर्ल है वो नेमलेस कैरेक्टर है, मतलब इनका नाम नहीं मेंशन है, बट शी यूज़ टू लिव इन ग्रैंड मरीन. लेकिन लोकेशन बताई है ऑथर ने कि वो ग्रैंड मरीन में रहती थी. शी हैड आईज लाइक फॉरेस्ट पूल्स एंड हेल्ड हरसेल्फ लाइक डॉटर ऑफ सीजर. सीजर इज़ अ वेरी फेमस किंग. जूलियस सीजर अगर आपने सुना हो तो बहुत फेमस किंग थे. तो क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल थी तो वो अपने आप को प्रिंसेस से कम नहीं समझती थी. देवर एफियंस्ड मीन्स एंगेज्ड, बट दे कुड नॉट मैरी टिल सेल्वेटोर हैड डन हिज मिलिट्री सर्विस एंड वेन ही लेफ्ट द आइलैंड विच ही हैड नेवर लेफ्ट इन हिज लाइफ बिफोर टू बिकम अ सेलर इन द नेवी ऑफ किंग विक्टर इमैनुअल ही वेप्ट लाइक अ चाइल्ड. तो उस विलेज का एक कस्टम था, एक रिचुअल था कि किसी भी बॉय की मैरिज तब तक नहीं हो सकती है जब तक वो मिलिट्री सर्विस ना दे. तो उस टाइम पे जो किंग थे उस प्लेस के, उनका नाम था विक्टर इमैनुअल, और फिर फाइनली उसको एज अ सेलर नेवी में ले लिया गया और उसको बोला कि उसको भी अपनी मिलिट्री सर्विस देनी होगी. लेकिन सेल्वेटोर ने कभी भी अपना विलेज नहीं छोड़ा था, ये सी साइड नहीं छोड़ा था. तो अब सेल्वेटोर जो था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ही स्टार्टेड वीपिंग लाइक अ चाइल्ड. वो होमसिक था तो वो नहीं छोड़ना चाह रहा था अपनी प्लेस, तो ही स्टार्टेड वीपिंग. इट वॉज हार्ड फॉर वन हु हैड नेवर बीन लेस फ्री देन द बर्ड्स टू बी एट द बेक. बेक का मतलब स्ट्रीम एंड कॉल ऑफ अदर्स. इट वॉज हार्डर स्टिल टू लिव इन अ बैटल शिप विद स्ट्रेंजर्स इंस्टेड ऑफ इन अ लिटिल वाइट कॉटेज अमंग द वाइन्स. एंड वेन ही वॉज अशोर टू वॉक इन नॉइजी फ्रेंडलेस सिटीज विद स्ट्रीट सो क्राउडेड दैट ही वॉज फ्राइटन टू क्रॉस. जब सेल्वेटोर को ज़बरदस्ती फोर्सली मिलिट्री सर्विस के लिए बाहर भेजा गया और वो बड़े बड़े सिटीज़ में ट्रैवल करने लगा, तो उसको वहाँ की नॉइज, वहाँ का क्राउड, वहाँ का जो जिसको बोलते हैं ना एक बिहेवियर होता है लोगों का, तो वो उसको बहुत डिस्टर्बिंग लगा. क्योंकि वो एक छोटे से विलेज में रहता था और वो विलेज भी बिल्कुल काम एंड क्वाइट और ब्यूटीफुल सी साइड पे था. व्हेन ही हैड बीन यूज्ड टू साइलेंट पाथ्स एंड द माउंटेन्स एंड द सी, आई सपोज आई हैड नेवर स्ट्रक हिम दैट इशिया, इशिया इज द नेम ऑफ आइलैंड विच ही लुकड एट एवरी इवनिंग, इट वॉज लाइक अ फेरी आइलैंड इन द सनसेट. तो वो अक्सर जब अपने विलेज में था तो वो माउंटेन्स की ब्यूटी को इन्जॉय करता था, सी साइड की ब्यूटी को इन्जॉय करता था. जो उसका आइलैंड था इशिया, वो अपने आप में एक ब्यूटिफुल आइलैंड था जिसमें सनसेट जो है वो एक फेरी टेल से कम नहीं दिखता था. टू सी वेदर ही वुड बी लाइक नेक्स्ट डे और विस्यूवियस. विस्यूवियस एक वॉल्केनिक माउंटेन है इटली में, ठीक है. तो उसकी भी वो ब्यूटी देखता था. डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग. हैड नथिंग टू डू विद हिम एट ऑल. लेकिन जब वो अपने जो विलेज था उससे जब वो दूर चला गया तो उसको वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रीम लगने लगी जिसको वो हर दिन इन्जॉय करता था. बट वेन ही सीज टू हैव देम, सीज का मतलब स्टॉप्ड, जब उसको मौका ही नहीं मिलता था ये सब देखने के लिए, देन ही रियलाइज्ड दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट हिज विलेज, कि वो बहुत होमसिक है और वो अपने विलेज के बिना नहीं रह सकता है. ही वॉज ड्रेडफुली होमसिक, वो बहुत ज़्यादा होमसिक हो गया. बट इट वॉज हार्डेस्ट ऑफ ऑल टू बी पार्टेड फ्रॉम द गर्ल ही लव्ड विद ऑल हिज पैशनेट यंग हार्ट. लेकिन उससे भी ज़्यादा एक तो होमसिक रीज़न हो गया कि वो नहीं जाना चाह रहा था, छोड़ मतलब वापस आना चाह रहा था अपने विलेज. दूसरा स्ट्रॉन्ग रीज़न ये हो गया कि ही वॉज सो मच इन लव विद दैट ब्यूटिफुल गर्ल दैट ही वॉन्टेड टू कम बैक फॉर द गर्ल. ही रोट टू हर इन हिज चाइल्ड लाइक हैंड राइटिंग लॉन्ग इल स्पेल्ट लेटर्स इन विच ही टोल्ड हर हाउ कॉन्स्टेंटली ही थॉट ऑफ हर एंड हाउ मच ही लॉन्ग टू बी बैक. वो लेटर्स लिखता था और उसकी जैसी कि चाइल्ड लाइक हैंड राइटिंग बताई जा रही है, उसमें बहुत ढेर सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते थे, लेकिन कॉन्स्टेंटली उसमें एक ही बात वो बोलता था उस गर्ल को, दैट ही इज़ वेटिंग टू मीट हर. ही वॉज सेंट हेयर एंड देयर टू स्पीजिया टू वेनिस टू बारी एंड फाइनली टू चाइना. ये जो सारी टेक्सचुअल डिटेल्स हैं ये सब आपको याद रखना है. जैसे प्रिटी गर्ल ग्रैंड मरीन में रहती थी, ठीक है, आइलैंड का नाम इशिया है, और सेल्वेटोर ट्रैवल करने के दौरान कौन कौन सी जगह पे गया, स्पीजिया, वेनिस, बारी और फाइनली चाइना. हेयर ही फेल इल ऑफ सम मिस्टीरियस एलिमेंट. चाइना में पहुंचने के बाद, क्योंकि चाइना ओवर क्राउडेड सिटी एक टाइम पे हुआ करता था,
तो वहाँ पे जाने के बाद सेल्वेटोर को एक स्ट्रेंज डिजीज हो गई, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा महीनों। ही बोर इट विद द म्यूट, म्यूट का मतलब आप जानते हैं ना, साइलेंट एंड अनकॉम्प्रिहेंडिंग पेशेंस। उसने उस डिजीज का जो पेन था उसको बिल्कुल साइलेंस के साथ, बिना किसी से कंप्लेन किए हुए, पेशेंस के साथ, जैसे एक डॉग होता है, उसको कितनी भी बड़ी इलनेस क्यों ना हो जाए लेकिन वो क्वाइट हो जाता है, और उसने उसको टॉलरेट किया। व्हेन ही, तो अब तक देखिए सेल्वेटोर की कितनी क्वालिटीज़ आपने देख ली, ही इज़ अ केयरिंग बॉय, ही इज़ अ नर्समेट टू हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, देन ही इज़ अ मैन हु ऑलवेज हैज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस, देन ही इज़ अ ट्रू लवर बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टेंटली राइटिंग लेटर्स टू, देन ही इज़ इन लव विद द प्लेस ऑल्सो वेयर ही लिव्स, ओके। और व्हेन ही फेल इल, जब उसको इतनी सीरियस एलमेंट हुई, जो कि बहुत स्ट्रेंज बता रहा है, नैरेटर आगे डिस्क्लोज करेगा कि कौन सी वो एलमेंट है, तो उसने उसका जो पेन था उसको भी बहुत पेशेंस के साथ टॉलरेट किया। एंड ही डिड नॉट बॉदर, जब उसको ये बताया गया कि उसको रूमेटिज़म है, रूमेटिज़म एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें इट कॉजेज टेरेबल पेन एंड स्वेलिंग इन जॉइंट्स, जिसको हम आज की डेट में आर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया बोलते हैं, तो रिमेटिज्म उसको हो गया था। तो उस ये डिसाइड हुआ कि अब ये शिप पे काम करने के लिए सूटेबल नहीं है, तो इनको वापस जाना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद कोई भी सेलर होता तो अनहैप्पी हो जाता, बट सेल्वेटोर बिकेम वेरी हैप्पी, ओके, बिकॉज ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट दैट प्रिटी गर्ल। व्हाट डिड ही केयर व्हेन ही वॉज गोइंग बैक टू द आइलैंड He loved so well and the girl who was waiting for him. उसके लिए अब ये डिजीज़ कोई वैल्यू नहीं रखती थी और पेशेंस तो उसके अंदर था ही, लेकिन हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा क्या हो गई कि वो वापस अपने उसी विलेज में जा रहा है और उस गर्ल से उसकी मैरिज भी हो जाएगी जो उसके लिए वेट कर रही है। When he got into the rowing boat that met the steamer from Naples and was rowed ashore, he saw his father and mother standing on the jetty. Jetty is a long structure built in वाटर। तो फिर उस वो फाइनली उसको घर आने का चांस मिला और वो एक छोटी सी बोट से उसको लेकर के आया गया। और नेपल्स, आप टेम्पेस्ट पढ़ेंगे, टेम्पेस्ट में भी जो मेन कैरेक्टर है वो नेपल्स का किंग है। तो ये सब इटली की बहुत ही फेमस जगह है, वेनिस है, नेपल्स है, तो वो वहाँ से उसको वापस आना पड़ा। वो आया, सामने उसने अपने पेरेंट्स को देखा, अपने दो ब्रदर्स को देखा जो कि अब काफ़ी बड़े हो गए थे। ही वेव्ड टू देम, हिज आई सर्च्ड अमंग द क्राउड दैट वेटेड देयर फॉर द गर्ल। वो अपनी फैमिली को तो देख रहा है लेकिन वहाँ पे वो प्रिटी गर्ल को नहीं देख रहा है, ठीक है। ही कुड नॉट सी हर, देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ किसिंग व्हेन ही जंप्ड अप द स्टेप्स एंड दे ऑल इमोशनल क्रिएचर्स क्राइड अ लिटिल व्हेन दे एक्सचेंज देयर ग्रीटिंग्स। फैमिली उसकी बहुत हैप्पी हो गई, एक्सट्रीमली हैप्पी हो गई, क्योंकि वो सब एक दूसरे को बहुत टाइम्स, मतलब इमोशनल क्रिएचर्स हैं, एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। सब ने सेल्वेटोर से उसकी ट्रिप के बारे में पूछा। ही आस्क्ड वेयर द गर्ल वाज, फाइनली उसने अपनी मदर से पूछा कि वो प्रिटी गर्ल कहाँ है। हिज मदर टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट नो, उसकी मदर ने एक सिंपल जवाब दे दिया कि उनको नहीं पता है। दे हैड नॉट सीन हर फॉर 2 or 3 weeks, सो इन द इवनिंग व्हेन द मून वॉज शाइनिंग ओवर द प्लासिड, प्लासिड मीन्स काम, एंड द लाइट ऑफ नेपल्स ट्विंकल्ड, ट्विंकल्ड मीन्स शाइनिंग इन द डिस्टेंस, ही वॉक टू द ग्रैंड मेरीन टू हर हाउस। तो जैसे ही इवनिंग हुई और वो इंजॉय कर रहा था ब्यूटी अपने आइलैंड की, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम बाद मौका मिला था, उसने डिसाइड किया कि वो खुद उस गर्ल के घर जाएगा और जाके पता करेगा कि रीज़न क्या है। शी वॉज सिटिंग ऑन द डोर स्टेप्स विद हर मदर, वो अपनी मदर के साथ डोर स्टेप्स बैठी है। ही वॉज लिटिल शाय बिकॉज ही हैड नॉट सीन हर फॉर सो लॉन्ग। ही आस्क्ड हर इफ शी हैड नॉट रिसीव द लेटर दैट ही हैड रिटन टू हर टू से दैट ही वॉज कमिंग होम। तो सेल्वेटोर ने उससे इंक्वायरी करी और उससे पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि उसको वो लेटर्स ही नहीं मिले हैं जो सेल्वेटोर ने उसको लिखे थे और उसको उसके अराइवल की डेट ही नहीं पता थी। येस दे हैड रिसीव्ड अ लेटर एंड दे हैड बीन टोल्ड बाय अनदर ऑफ द आइलैंड बॉयज दैट ही वॉज इल। तो उसको ये पता चला कि गर्ल और उसकी फैमिली को सब लेटर्स मिले हैं, लेकिन आइलैंड के ही दूसरे बॉयज़ ने ये भी इंफॉर्मेशन दे दी फैमिली को, गर्ल के फैमिली को, दैट सेल्वेटोर वॉज सफरिंग विद अ वेरी सीरियस इलनेस। येस दैट वॉज वाई ही वॉज बैक,
वॉज इट नॉट अ पीस ऑफ लक, लेकिन सेल्वेटोर के हिसाब से तो वो लकी हो गया ये इलनेस के बाद, क्योंकि उसको मौका मिल गया वापस आने का. बट दे हैड हर्ड दैट ही वुड नेवर बी क्वाइट वेल अगेन. द डॉक्टर टॉक्ड अ लॉट ऑफ द नॉनसेंस, बट ही न्यू वेरी वेल दैट नाउ ही वॉज होम अगेन एंड ही वुड रिकवर. जब उसको उस गर्ल की फैमिली ने बोला कि अब तो तुम्हारी रिकवरी मुश्किल है, तुम पहले जैसे नहीं हो सकते हो, तो उसने बताया कि डॉक्टर तो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं होम आ गया हूँ, मैं अपने विलेज आ गया हूँ, तो डेफिनेटली मैं रिकवर करूँगा. दिस शोज दैट सेल्वेटोर हैज़ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ. इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम सच अ डेंजरस इलनेस, ही जस्ट वॉन्टेड टू रिकवर फ्रॉम दैट डिजीज. दे वर साइलेंट फॉर अ लिटिल एंड देन द मदर नज्ड द गर्ल. नज्ड का मतलब जेंटल पुश. लेकिन फैमिली ने एक मन बना लिया था, गर्ल की फैमिली ने, कि वो सेल्वेटोर से उसकी मैरिज नहीं होने देंगे. और रीज़न यही था कि सेल्वेटोर जो है वो ही वॉज सफरिंग विद दैट डिजीज़. सो जो मदर थी गर्ल की, उसने गर्ल को अंदर भेज दिया. शी डिड नॉट ट्राई टू सॉफ्ट इन द ब्लो. शी टोल्ड हिम स्ट्रेट आउट विद द ब्लंट डायरेक्टनेस ऑफ अ रेस दैट शी कुड नॉट मैरी अ मैन हु वुड नेवर बी स्ट्रांग इनफ टू वर्क लाइक अ मैन. लेकिन फाइनली उस गर्ल ने अंदर जाते जाते ये बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया कि शी वुड नेवर विश टू मैरी टू अ पर्सन हु इज हु हैज़ बिकम वीक विद द विद दिस डिजीज विच क्रिएट्स पेन इन द जॉइंट्स. और उसको ये भी यकीन था दैट सेल्वेटोर विल नेवर बी एबल टू वर्क लाइक अ प्रॉपर मैन. दे हैड मेड अप देयर माइंड्स, हर मदर, हर फादर एंड शी एंड अ फादर वुड नेवर गिव कंसेंट. और फाइनली उस गर्ल के साथ उसकी उनके उसके पेरेंट्स ने भी ये मन बना लिया था कि वो सेल्वेटोर से उसकी मैरिज नहीं होने देंगे, बिकॉज फादर विल नेवर गिव कंसेंट, फादर विल नेवर अग्री टू मैरी हिज ब्यूटिफुल डॉटर टू अ पर्सन हु वॉज नॉट एट ऑल फिजिकली फिट. So I have explained you the story from page number 6 to page number 8. We have completed the first stanza in this video. We will continue from this stanza in the second video.